वेलकम टू जेड सी। मैं तहसीन अहमद सिद्दीकी। आज हम देखेंगे स्क्वायर निकालने का तरीका, कैसे हम आसानी से स्क्वायर निकालते हैं, और वो 100 के आसपास का अगर कोई नंबर है, 100 के आसपास का कोई नंबर है अगर हम उसका स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे। देखें, अगर हम जो है 97 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, 97 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं इसको ध्यान से देखें। बस चंद सेकंड में आप देखेंगे और बहुत आसानी से इसको फाइंड आउट किया सकता है। 97 क्या 96 हो सकता है, 94 हो सकता है, किसी का भी स्क्वायर अगर आप निकालते हैं तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्या करना है, अब ये देखना है कि ये 96 जो है 97 है, ये 100 से कितना नज़दीक। ये 94 जो है ये 100 से 6 कम है। 94 यहाँ 100 माइनस 94 क्या है, 100 माइनस 6 है, तो ये 6 जो है इसको हम अगेन इसमें से माइनस करेंगे। 94 माइनस 6 करेंगे और ये आएगा आपको 88। अब इस 6 का स्क्वायर, 6 क्या है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, यानी 94 का जब हम स्क्वायर लिख रहे हैं तो 100 माइनस 6 होता है 94, इसलिए 94 में से हम फिर अगेन जो है आपको 6 माइनस करेंगे, 94 में से क्या करेंगे 6 माइनस करेंगे और ये हो जाएगा 88, और जितना माइनस किया है उसी का स्क्वायर, तो 88 36। अगर हम 96 का करते हैं तो ये देखिए क्या है, 100 माइनस 4 है, 4 कम है 100 से, तो इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 92 और 4 का स्क्वायर। अगर 97 है 3 कम है तो ये क्या हो जाएगा आपको 94 09, यानी हम जो है उसका स्क्वायर। अगर हम 98 का स्क्वायर करते हैं तो ये 2 कम है तो क्या होगा आपको 98, यानी कि आपको 96 04। अगर हमारा 99 है तो ये कितना होगा 98 01। तो इस तरह से देख रहे हैं किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम 92 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो 92 का कितना होगा, इसमें 100 से भी 8 कम, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे 8 माइनस करेंगे, तो 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 84। अब 8 का स्क्वायर देखिए कितना आसानी से हो रहा है, 91 आप कर रहे हैं तो इसमें 100 से 9 कम है, इसमें से 9 माइनस कर देंगे तो आपको क्या आएगा 82 और 9 का स्क्वायर 82। ठीक है, हम देख रहे हैं अगर 93 का स्क्वायर करते हैं तो ये 7 कम है, इसमें से 7 माइनस कर दीजिए 86 होगा और 7 का स्क्वायर 49। तो हम ये देख रहे हैं कि जो 100 यानी 100 से अगर 2 3 4 10 जितना भी कम नंबर है उसका अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो उस नंबर में से हम उस डिफरेंस को माइनस करते हैं और फिर उसी डिफरेंस का स्क्वायर कर देते हैं, वो उसका स्क्वायर हो जाता है। अब देखें आपका अगर 100 से ज्यादा है, जैसे 104 है, 104 है अगर, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहां 100 से 4 ज्यादा है तो 100 इसमें हम 4 ऐड करेंगे, क्या होगा 108 और 4 का स्क्वायर हो गया। जैसे वहां डिफरेंस था वैसे यहां ज्यादा, यानी वहां कम था और यहां ज्यादा है, वहां कम था तो और हम उसमें से माइनस करते थे और उसी डिफरेंस का स्क्वायर करते थे, यहां भी जितना ज्यादा है उसको ऐड कर देते हैं और उसी डिफरेंस को हम जो है स्क्वायर करते हैं। अगर आप देखें 106 का स्क्वायर तो 112 6 है, 6 ऐड करेंगे 112 और 6 का स्क्वायर 36।
अगर हम देख रहे हैं 108 है तो ये है 116, 8 ऐड किया और 8 का स्क्वायर 16। अगर हम देख रहे हैं 109 है तो 9 इसमें ऐड करेंगे 118 और 9 का स्क्वायर 18। बहुत आसानी से। अगर हम 105 है तो 110 और 5 का स्क्वायर। तो बहुत आसानी से हम देख रहे हैं किस तरह से हम कर रहे हैं। जितने का हम स्क्वायर मान लीजिए कि हम इसको करते हैं 112 का स्क्वायर, तो 112 का स्क्वायर निकालते वक्त हम क्या करते हैं कि 112 हुआ तो 124 हो गया और 12 का स्क्वायर 44। हमारे पास जगह इसके पास दो ही बचते हैं, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर दो बच रहा था, यहाँ दो बच रहा था, माइनस करने के बाद सिर्फ दो जगह। तो यहाँ पर जो है आप 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 441 यहाँ, यानी कि 12544। तो आप ऐसे करते हैं। अगर हम 113 का स्क्वायर निकालते हैं तो 1, अब इसमें 39 करेंगे 26 और फिर दो प्लेस है तो 13 का स्क्वायर क्या होगा 16, 169। तो ये हो गया 12769। तो हम ये देख रहे हैं कि 100 से कम नंबर हो या 100 से ज्यादा नंबर हो उसका हम स्क्वायर कितनी आसानी से निकाल रहे हैं। हम समझते हैं कि आप लोग भी इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 50 के आसपास, यानी 50 से कुछ कम नंबर हो या 50 से कुछ ज्यादा नंबर हो उसका हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान होता है, अगर आप टेक्निक से करते हैं तो एग्जामिनेशन जितने भी आपका वनडे एग्जामिनेशन है, जैसे आप SSC, बैंक, रेलवे या DSSB या दिल्ली पुलिस जितने भी है या दूसरे स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं उस सब में इस टेक्निक का यूज आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए 53 का या 56 का आपको स्क्वायर निकालना है, ये 50 से 6 ज्यादा है। अब इसमें क्या करते हैं कि हम पहले 50 को एक स्क्वायर कर लेते हैं, ये 2500 हो गया। अब हम 56 का स्क्वायर करेंगे तो इसका प्लस 6 है तो इसमें हम प्लस 6 ऐड कर देते हैं तो ये 31 हुआ और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो ये आसानी से हो गया। अगर हम 57 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो इसमें 7 ऐड करेंगे 32 और 7 का स्क्वायर आपको जो है 49। 57 32 49। हम ये देख रहे हैं कि ये 57 यहां से यहां तक प्लस 7 है तो प्लस 7 है तो हम जो है इसमें इस 7 को हम 25 में ऐड करेंगे और 7 का स्क्वायर 49। अगर 58 का स्क्वायर है तो यहां से हम देख रहे हैं प्लस 8 है तो यहां पर इसमें हम प्लस 8 ऐड करेंगे 33 और 8 का स्क्वायर आपको 60। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि 50 से अगर कोई नंबर ज्यादा है, अगर हम 59 लेते हैं, 59 का ये प्लस 9 है तो ये देखिए 59, 25 में हम 9 ऐड करेंगे 34 और 9 का स्क्वायर 81। तो इस तरह से हम आसानी से काम कर लेते हैं। अगर इसी तरह से अगर हमारा 50 से कम नंबर, छोटा नंबर, उसको हम देखते हैं, जैसे 50 का स्क्वायर हमने देखा 2500 है, अब इससे हम जो है 46 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं। 46 का स्क्वायर यहां क्या है -4 तो यहां भी हम 25 में से माइनस कर लेंगे 4, ये हो जाएगा 21 और 4 का स्क्वायर। अगर हम इसमें देखते हैं कि अगर 43 का स्क्वायर निकालना या 43 का स्क्वायर निकालना है तो 43 का स्क्वायर निकालना है, ये कितना कम है आपको, आपको -7 है तो 43 का स्क्वायर इसमें से हम 7 माइनस कर लेंगे, कितना होगा 7 माइनस करने पर 18 और 7 का स्क्वायर 14। अगर हम देखते हैं कि इससे 42 लेते हैं -8, अब 42 का स्क्वायर करते हैं तो -8 इसमें से करेंगे यानी कि आपको 17 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। मतलब चंद सेकेंड आप देख रहे होंगे कि सिर्फ एक या दो सेकेंड में ही आपका काम हो जा रहा है, इससे ज्यादा आपको नहीं लगता है। दो सेकेंड या आप
एक सेकंड के अंदर ये आप काम कर रहे हैं। अगर हम इसमें से लेते हैं माइनस नाइन करते हैं, ये 41 का स्क्वायर करते हैं, तो 41 का स्क्वायर करते हैं, ये 9 माइनस है 25, में से हम 9 को माइनस कर देंगे 16 और 9 का स्क्वायर 81। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि बहुत आसानी से हम 50 से आसपास का नंबर को जो है हम स्क्वायर करते हैं, 50 से ज्यादा के नंबर को भी स्क्वायर करते हैं, और इस तरह से हम चलते रहेंगे। अगर आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं, अगर हम 40 यानी माइनस 3 करते हैं 47 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 47 का स्क्वायर निकालने का तरीका यह है कि इसमें से हम 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा आपको 22। अब यहां पर दो प्लेस है देखिए, तो यहां पर 3 का स्क्वायर होगा 09। अगर हम 48 का स्क्वायर करते हैं, ये क्या है आपका 2 माइनस है, तो ये होगा 2304। अगर हम 49 का स्क्वायर करते हैं, ये 50 से 1 कम है, तो ये 2401। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आपका स्क्वायरिंग कितना आसानी से हो रहा है। हमने 100 के आसपास का स्क्वायर देखा, हमने 50 के आसपास का स्क्वायर देखा, हम इसी तरह से आपको जो है करते रहेंगे। आप इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि आपको आसानी से हमारा जो है ये टेक्निक्स, ट्रिक्स और मैथमेटिक्स के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, सब पे आपको जो है बारी बारी से आपको मिलता रहेगा और आप उसे देखते रहेंगे। आपको ये टेक्निक कैसा लगा कमेंट्स करें, और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें, और हमारे वीडियो को देखते रहें, वीडियो को पहचानते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मैथमेटिक्स सीखते रहें। वेलकम।